वेलकम स्वागत कैसे हैं आप लोग डर तो नहीं रहे अपना और अपनों का ख्याल रख तो रहे और रेड एफ एम को सुनते रहें क्योंकि डॉक्टर शचिन बजाज मेरे यानी रौनक के साथ और रेड एम की पूरी टीम के साथ डेली बातचीत करते हैं और आपके ही पूछे हुए और हमारे ऑफिस में भी बड़े सारे लोग स्टूडियो के बाहर जमा होकर खड़े रहते हैं कि भाई जैसे सर आएंगे उनसे चार पांच सवाल पूछ लेंगे कुछ लोग तो अपनी वो भी दिखाने लगे आपको कि यहाँ पीठ में दर्द हो रहा है ठीक है मौका मिला तो सारे चौका मार रहे हैं सो so, आपको भी ये मौका मिलता है जो भी सवाल मन में आता है इस वैक्सीनेशन ड्राइव से वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़ी हुई सवाल आपको पूछना पूछना है है कोरोना से कोई सवाल आपको क्योंकि जब से कोरोना आपने कहा कि सर हिंदुस्तान में पहुंचा है स्पेशली मार्च महीने से तब से ही स्टेप वन जिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस टीम के साथ आप जुड़े हैं वो लगातार लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है तो पहले कोरोना से जुड़े देते थे अब वैक्सीन से जुड़े दे रहे हैं सो वेलकम स्वागत कैसे हैं आप बहुत बढ़िया हूँ रौनक थैंक यू सो मच आप कैसे हैं आगे? बहुत ही जबरदस्त सर ऋषभ का सवाल फटाफट ले लेते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन अभी आई है जो जिसकी बात हो रही है क्या वो यूके का जो नया स्ट्रेन आया है जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उसके खिलाफ भी कारगर होगी एब्सल्यूटली देखिए वायरस की काबिलियत भी है और हिमाकत भी कहेंगे है कि वो अपने आप को बदलता रहता है एक बहरूपिया है वो और चेंज करता रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्टिंग में चेंज होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं एक दो म्यूटेशन हुए फिर एक दो हुए और कभी कभी सडनली शिफ्ट हो जाता है एंटीजेनिक म्यूटेशन जिसमें पूरा ही वायरस नया सा दिखने लगता है तो जब तक वो पूरा शिफ्ट नहीं होता या उसमें उतने म्यूटेशन नहीं आ जाते तब तक सारी वैक्सीन उस पर इफेक्टिव रहेंगी डेफिनेटली अभी तक तो यही ट्रायल्स कह रहे हैं हमारे जी। तो इसीलिए और भी जरूरी है कि हम सबको वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी कर लें इससे पहले कि ये वायरस अपने आप को पूरी तरह बदले तो अगर सबको वैक्सीनेट कर देंगे हम तो ये वायरस ख़त्म ही हो जाएगा इस दुनिया से तो इसीलिए सारी गवर्नमेंट्स सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्पीडिली लगी हुई हैं और इसीलिए हम भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना चांस मिस ना करें जब भी आपको गवर्नमेंट बुलाए आप ज़रूर जाके अपना वैक्सीन लगवाएं प्रियम <laughs> पूछते हैं कि अगर किसी को अभी कोविड है इस वक्त तो उस समय उसको टीका वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जी हम लोगों का यही एडवाइज है और गवर्नमेंट का भी यही एडवाइजरी है कि कोविड से ठीक होने के चौदह दिन बाद ही आप इंजेक्शन लगवाएं दो कारण है इसमें एक तो ये है कि अभी आप बीमार है तो जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा है कोई अननेसेसरी दवाई ना लें दूसरा ये मेजर कारण यह है कि क्योंकि आपको अभी कोविड है तो अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वहां और लोगों को आप इन्फेक्शन दे सकते हैं तो जैसा कि हर कोविड पेशेंट से कहा जाता है घर ही में रहें आइसोलेशन में रहें एक बहुत जबरदस्त लाइन किसी ने दीवार पर लिखी थी कि एकांत वरना देहांत प्लीज तो, तो <laughs> खुद भी बीमार न पड़े जल्दी ठीक हो और अपनी वजह से और भी लोगों को बीमार न करें सवाल पूछते रहे कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपना ख्याल रखें नाइनटी थ्री पॉइंट बजाते रहो नेशन का वैक्सीनेशन चल रहा है थैंक यू डॉक्टर थैंक यू तीन डॉट पांच